हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे को अपने मटेरियल अपने सर्विसेज की सप्लाई देना चाहते हैं, आप रेलवे को कुछ भी यदि सप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी सामान या कोई भी अपनी सर्विस को सप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से रेलवे को अपने मटेरियल अपने सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि रेलवे को अपना सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रेलवे के पोर्टल IREPS पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं, IREPS पे, क्योंकि उसी पे आपकी ऑनलाइन बिडिंग होती है, ऑनलाइन जो भी टेंडरिंग होती है, सारा काम रेलवे का ऑनलाइन हो चुका है। वो ये बिल्कुल फेसलेस है, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, आपका सारा काम फेसलेस होगा। उसमें जो भी आपका टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग में कैसे आपको टेंडर का रिवार्ड कैसे मिला, ये सब चीज़ आपका ऑनलाइन होगा। जो भी आप कोटेशन देंगे, L1, L2, L3 सारी चीज़ें उसमें दिखेगी। बट सबसे पहला काम इसमें आपको करना पड़ेगा IREPS पे आपका रजिस्ट्रेशन। IREPS पे रजिस्ट्रेशन के लिए लोग प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप किस तरह से खुद घर बैठे खुद अपना रजिस्ट्रेशन IREPS पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने IREPS पे रजिस्ट्रेशन किया, इसके लिए मैंने भी कई यूट्यूब चैनल देखे, लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं रहा जिसने मेरे को पूरी की पूरी जानकारी मेरे को बताई। कोई यूट्यूब चैनल बोलता है कि आपका ब्राउज़र इस टाइप का होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होने 50 चीज़ें उसमें कई चीज़ें इधर उधर की बताई, जो कि आप खुद देख लीजिएगा। अब कई पहले यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए, यदि आपको समझ ना आए तब ये देखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ, बट जो भी बताऊँगा पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको IREPS की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपके पास DSC होगा। बिना DSC के वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। DSC क्या होता है? DSC जो होता है, एक आपका जो सिग्नेचर करते हैं ना पेन पेपर से जो सिग्नेचर करते हैं, उसी का एक डिजिटल फॉर्म होता है DSC, जो कि आपकी पहचान होती है कि हाँ भाई, इस बंदे ने इस पर साइन किया है। सबसे पहले आपके पास DSC होना चाहिए, ठीक है? और DSC भी जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लास थर्ड का DSC होना चाहिए। उसमें क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, इस टाइप के DSC होते हैं। क्या होता है DSC, कैसे मिलेगा, सारी बातों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। DSC के बारे में कंप्लीट चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा। DSC आप कैसे ले सकते हैं, क्लास थर्ड का क्या लेंगे, और किस टाइप का DSC चाहिए। DSC भी इसमें एक तो होता है पर्सनल नाम पे, एक होता है फर्म के नाम पे। ये DSC आपके फर्म के नाम पे ही होना चाहिए। यदि आपके पर्सनल नाम पे होगा तब ये DSC यूजेबल नहीं होगा, यूज़ नहीं हो पाएगा इस पर, क्योंकि DSC इस पर चलेगा ही नहीं। इसको आपको प्रोसीड आगे बढ़ने ही नहीं देगा इस साइट पर। आपको सारे DSC के बारे में सारी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा, और ये DSC कैसे बनता है। DSC जो है 3 से 4 दिन में बन जाते हैं। तो फ्रेंड, ये एक DSC है, देखिए इस टाइप का DSC होता है, पेन ड्राइव टाइप का। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक DSC है। इस टाइप का DSC आपको बनवाना पड़ेगा। ये DSC आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही DSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बाई पोस्ट, बाई कोरियर ये आपको भेज देंगे। DSC आपके घर पे आ जाएगा, तब आप IREPS की साइट पे इसको लगा के आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। और उसके रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आपका हो सकता है, आपको इसके लिए मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े। पहले वीडियो में आपको DSC कैसे अप्लाई करना है, इन सब बातों को बताऊँगा। सेकेंड वीडियो में बताऊँगा DSC का यूज़ कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आप कैसे DSC को अपने ब्राउज़र में एक्टिवेट कर सकते हैं, और उससे अपने IREPS की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं DSC कैसे अप्लाई आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा DSC पर्सनल है और कौन सा फर्म का है। ये हमें पता भी चल जाए कौन सा फर्म का है, कौन सा पर्सनल है, और क्या डिफरेंस है इसमें, ये भी आपको पता चल जाए। कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर DSC जो है पर्सनल है और ये पर्टिकुलर DSC फर्म का है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं लगाता हूँ DSC पर्सनल वाला, अपने सिस्टम में इंसर्ट करता हूँ। जो आपका USB पोर्ट होता है उसी में DSC को इंसर्ट किया जाता है। ये मैंने लगा दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल है और ये फर्म का है? देखिए फ्रेंड्स, इस सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंटरनेट ऑप्शन। ये इंटरनेट ऑप्शन में हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट्स में, सर्टिफिकेट में, और यहाँ पे व्यू में जाके इस सर्टिफिकेट की डिटेल देखेंगे। डिटेल में जाके ये सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा पर्सनल। ये देखिए लिखा है ना पर्सनल, तो ये पर्सनल DSC है। ये भी क्लास 3 का ही ये DSC है, बट ये है पर्सनल, जो कि IREPS की साइट पे वर्क नहीं करेगा।
तो इसके लिए हमें चाहिए फर्म के नाम पे डीएससी। तो फर्म के नाम पे डीएससी कैसे पता चलेगा फर्म के नाम पे डीएससी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्म के नाम वाला डीएससी लगा के ये मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। अब मैं ये फर्म के नाम वाला डीएससी आपको सिस्टम में इंसर्ट करके चेक करके दिखाता हूँ कि मैंने इंसर्ट कर दिया है। इसको भी चेक करने का सेम वही तरीका है, इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे, ये इंटरनेट ऑप्शन में हम गए, यहाँ पे कंटेंट में सर्टिफिकेट में ये देखिए, यहाँ पे व्यू में डीएससी को सिलेक्ट किया, देखिए ये डीएससी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये पहला वाला डीएससी है जो पहले मैंने आपको चेक करके दिखाया था। इसको व्यू किया, व्यू में डिटेल में गए, यहाँ पे सब्जेक्ट में आएंगे, अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम ओ, ये लिखा है ना ऑर्गेनाइजेशन नाम, और पर्सनल इसमें नहीं लिखा। तो यह है फर्म के नाम पे डीएससी जो कि IRPS की साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी। अब देखते हैं ये डीएससी आप बनवा कैसे सकते हैं, ये मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, सिस्टम से निकाल दिया मैंने। अब देखते हैं इसको बनवाएंगे कैसे डीएससी को। ये मैंने अपना गूगल क्रोम खोला, गूगल में हम सर्च करेंगे ई मुद्रा, इसमें जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब लिखा है ना बाई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड साइन डॉक्यूमेंट्स क्लास 3। इसमें एक दो तरह के हैं, एक तो है इंडिविजुअल नेम पे, एक है ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। मैंने आपको दोनों तरह के डीएससी आपको दिखा दिए, जो इंडिविजुअल वाला होता है जीएसटी और इनकम टैक्स के रिटर्न वगैरह के लिए होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है ये IRPS की साइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है, ट्रेडमार्क वगैरह के लिए होता है। तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाई सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नाम पूछा है और मोबाइल नंबर पूछा है, ये OTP आएगा उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करने देगा। नाम डाल दिया यहाँ पे मैंने, मोबाइल नंबर डाल दिया मैं यहाँ पे, देखिए OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है। हम इस OTP को इसमें मैं टाइप कर देता हूँ 608374, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है, लेकिन आपको जैसे आपको ये इस डीएससी को आपको लेना है तो आपके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, सेकंड आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड होंगे तभी आपको ये डीएससी आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल होंगी, ईमेल आईडी, कंपनी या नेम, जैसे आपके फर्म का नाम जो भी है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो, तीनों केस में आपको फर्म के नाम पे डीएससी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको GSTN नंबर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड मैं आपको भर के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बेसिक डिटेल यहाँ भरने के बाद आप इसमें प्रोसीड टू पे करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको 2449 रुपये भरने हैं। एक तो सर्टिफिकेट कॉस्ट 1999 रुपये, ये 2 साल के लिए होगा वैलिड, और 450 रुपये टोकन की कॉस्ट। टोकन की कॉस्ट मतलब जो पेन ड्राइव टाइप का मैंने आपको दिखाया था ना, वही टोकन उसको बोलते हैं, उसकी कॉस्ट भी जोड़ रहे हैं ये लोग। यदि आपके पास टोकन है ऑलरेडी तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको,
तो आपको हाथों हाथ आपको ये आपका DSC आपको मिल जाएगा। बट यदि आपके पास नहीं है टोकन, तो आपको टोकन की कॉस्ट 450 रुपये पे करनी पड़ेगी, टोटल मिला के 2,449 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आपके पास ये कोरियर बाइक कोरियर आएगा तो कोरियर चार्जेस भी ये लोग 300 रुपये अलग से लेंगे, ब्लू डॉट कोरियर से वो आपको भेज देंगे। यदि आप किसी मेट्रो सिटीज में रहते हैं या किसी बड़े शहर में रहते हैं, आपको एक दिन में ये TSC मिल जाता है। ये बोलते हैं 3-4 दिन में है, बट ये आपको मिल जाएगा एक ही दिन में, क्योंकि मुझे एक दिन के, जैसे मैंने आज अप्लाई किया था, कल मेरे को मिल गया था। इसको आप पेमेंट करने के बाद आपके पास मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके वीडियो कॉल, एक टाइप से वीडियो कॉल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप उसको लैपटॉप या मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं या फिर PC से भी कर सकते हैं, यदि उसमें वेबकैम लगा हो तो। उस पर आपको अपना पैन कार्ड और अपना GST नंबर आपको दिखाना पड़ेगा वेबकैम के सामने ले जाके, और एक आपको अपने आइडेंटिटी को प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं रत्नेश कुमार राय DSC के लिए अप्लाई किया है। उसमें एक लाइन होगी, वो आपको बोलना पड़ेगा। तो उसका आपका एक वीडियो कॉल टाइप का होगा, और उसको वीडियो को अप्रूव करते के साथ ही आप सबमिट कर देंगे वहीं पे। सबमिट करते ही आपका DSC के लिए प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, प्रोसेस के आगे बढ़ जाएगा, आपका DSC बन ही जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड यदि आपके पास टोकन है तो। अदरवाइज आपको DSC बाई पोस्ट भेजेंगे, नेक्स्ट डे आपको या 2-3 दिन में आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको DSC का आपका जो भी DSC बनवाने से रिलेटेड जो भी काम होगा वो पूरा हो जाएगा, वो भी घर बैठे बिना कहीं गए। अदरवाइज आप किसी एजेंट से, किसी CA से, किसी CS से बनवाएंगे तो वो अपना चार्जेस भी उसमें जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये DSC अप्लाई से रिलेटेड जो भी इसमें प्रोसेस है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे IREPS से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा।